के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बलिया में पीएम ने दिया लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड का नारा। मोदी ने खुद को बताया मजदूर नंबर वन। उज्ज्वला योजना का किया शुभारंभ। छोटा राजन को छोटा शकील ने दी जान से मारने की धमकी। जेल में धमकी के बाद छोटा राजन की बढ़ाई गई सुरक्षा। मोबाइल फोन पर एसएमएस से मिली थी धमकी। पटना में कन्हैया की सभा में लगे भारत माता की जय के नारे। लहराए गए काले झंडे। पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में। वीवीआईपी चोपर डील पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा तथ्यों के साथ रखूंगा बात। 4 मई को संसद में दूंगा जवाब। और मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में किया है एमए। मिले 62% से ज्यादा मार्क्स। डिग्री पर केजरीवाल ने उठाए थे सवाल। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने यूपी के बलिया पहुंचकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस योजना का मकसद देश भर में करीब 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। पीएम मोदी ने कहा कि बलिया की धरती क्रांतिकारी धरती है। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने बलिया वासियों को कहा आपके प्यार के लिए शत शत नमन। उन्होंने कहा मैं देश का मजदूर नंबर वन हूँ और मजदूरों की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। हमने श्रम कानून में बदलाव किया। हमने श्रमिकों को न्यूनतम 1000 पेंशन की शुरुआत की। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी उन्हें नमन। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन को जेल में जान से मारने की धमकी दी गई। इंडोनेशिया के बाली द्वीप से गिरफ्तार कर भारत लाया गया छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अक्टूबर 2015 से हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में बंद छोटा राजन इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस के मुताबिक छोटा राजन को जान से मारने की धमकी तिहाड़ जेल के लैंडलाइन नंबर पर फोन और जेल में नियुक्त लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता के मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए दी गई। इसके बाद जेल में छोटा राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये धमकी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की ओर से दी गई है। पटना में कन्हैया को विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शहर के एसकेएम मॉल में चल रही सभा में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हंगामे के बाद से दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं कन्हैया ने हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको काला झंडा दिखाया जाए या जूते फेंके जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था उस वक्त कन्हैया मंच से लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। इस बीच जिस युवक ने कन्हैया को काला झंडा दिखाया उसे वहां मौजूद लोगों ने जमकर पीटा और बाद में पुलिस ने बीच में आकर युवक को होल के बाहर निकाल लिया। फिलहाल युवक सहित एक और युवक पुलिस हिरासत में है। पेट्रोल और डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस, मिट्टी के तेल और विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही अब बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस 18 रुपए और जेट फ्यूल 627 रुपए तक महंगा हो गया है। ऑयल एंड गैस कंपनियों ने आज से नई कीमतें लागू कर दी है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 509.50 रुपए की जगह 527.50 रुपए का मिलेगा। इससे पहले रसोई गैस के दाम लगातार 3 बार घटाए गए थे। इसकी कीमत में 1 फरवरी को 82.50 रुपए, 1 मार्च को 61.50 रुपए और 1 अप्रैल को रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी। वहीं घरेलू विमान सेवा कंपनियों के लिए दिल्ली में विमान ईंधन का दाम 627 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़ाकर 42,784 रुपए प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। यह इसकी कीमत में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। उत्तराखंड के जंगलों के 1900 हेक्टेयर में फैली भीषण और बेकाबू होती आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा है। सरकार ने शनिवार को यह फैसला लिया था जिसके बाद वायुसेना का एमआई 17 चोपर 3,000 लीटर पानी क्षमता वाले टैंक के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। चोपर के साथ वायुसेना का 11 सदस्यीय दल आसमान से कृत्रिम बारिश के काम में लग गया है। श्रीनगर के SDM रजा अब्बास ने बताया कि ये चोपर पास की झील से पानी लेकर प्रभावित इलाकों में इसकी बौछार कर रहा है। इसी बीच जंगलों में आग की कुछ ताजा तस्वीरें भी सामने आई। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के बाद अब वायुसेना भी मदद को पहुंच गई है। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बाद अब जंगलों के निकट बसे 500 गांवों पर खतरा बढ़ गया है।
नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। ओगस्टा वेस्टलैंड चौपर डील पर मचे घमासान के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 4 मई को संसद के मामले में बयान देंगे। उन्होंने कहा कि वो संसद में इस पर विस्तार से बात करेंगे और डील से जुड़े तथ्य पेश करेंगे। इससे पहले वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को दो टूक शब्दों में कहा था कि 125 करोड़ के घूस कांड में पिछली सरकार को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि यूपीए को ये बताना होगा कि अगस्ता सौदे में किस किस ने रिश्वत ली, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार झूठ की राजनीति कर रही है। देहरादून में एक समारोह के इतर संवाददाताओं से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, विवाद का प्रश्न ये है, अगस्ता सौदे में किसने पैसा लिया? सौदा होने के समय सत्ता में रहे लोगों को जवाब देना होगा। इटली की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि 125 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने कुछ नामों का भी खुलासा किया था। उस समय की सरकार को जवाब देने की जरूरत है। पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सियासी संग्राम के बीच अहमदाबाद मिरर ने दावा किया कि मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अखबार का दावा है कि मोदी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वे पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास से एमए पास हुए थे। अखबार ने दावा किया कि मोदी गुजरात में पढ़ाई के दौरान काफी अच्छे स्टूडेंट थे। गुजरात यूनिवर्सिटी में उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक पीएम मोदी ने 1983 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स में 62.3% मार्क्स हासिल किए थे। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री धराचार्यूलू को चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी से जुड़े सभी आरटीआई का जवाब देने का निर्देश दिया था। इसके बाद सीआईसी ने दिल्ली और गुजरात की यूनिवर्सिटीज को इसके निर्देश जारी किए हैं। हालांकि चुनावी पर्चे में डिग्री के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसे सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रियल एस्टेट कानून आज से देश भर में लागू हो रहा है। नए कानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मकान खरीदने वालों के हितों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस बिल के बाद से बिल्डरों को तय समय सीमा के अंदर ही खरीदारों को फ्लैट देना होगा। प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं कॉरपोरेट एरिया पर करनी होगी। पोजेक्शन में देरी होने या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर बिल्डरों को ब्याज और जुर्माना दोनों देना होगा। अगर कोई बिल्डर खरीदार के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। सभी राज्यों में रियल एस्टेट अथॉरिटी होगी, जिसके साथ बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दिल्ली एनसीआर में अब सिर्फ सीएनजी टैक्सियां ही चल पाएंगी। शनिवार को प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच से मियाद दोबारा बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड है, जिनमें से 21,000 डीजल से चलती है, लेकिन अब ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए पहले 31 मार्च तक पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को सीएनजी में कन्वर्ट करने की सीमा तय की थी, जिसके बाद में बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टैक्सी मालिक से कहा कि आपको काफी समय दिया जा चुका है, अब तक आपको इसके विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए था। अब हम सुनवाई के लिए आपको और अधिक समय नहीं दे सकते। वहीं ओला और उबर को अपनी टैक्सियां सीएनजी में बदलवानी होगी। आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल पर जहां 1.06 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, वहीं डीजल पर 2.94 रुपए प्रति पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें शनिवार आधी रात से लागू की गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में अब पेट्रोल 61.13 की बजाय 62.19 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं 1 लीटर पेट्रोल के लिए 48.01 की जगह 50.95 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले इसी महीने की 16 तारीख को पेट्रोल के दाम में 0.74 पैसे और डीजल में 1.30 रुपए की कमी की गई थी। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री धमाकेदार रही। बुधवार को पहले दिन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में उन्होंने सोनिया गांधी का नाम ले लिया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी सालों से कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, खासकर इनके निशाने पर गांधी परिवार होता है, लेकिन ताजा अगस्ता मामले को लेकर स्वामी ने राज्यसभा में तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि स्वामी के तेवर से कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के भी कई नेता घबराए हुए हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी राजनेता के साथ साथ वकील भी है और वो तमाम तरह के कानूनी दाव पेच से वाकिफ है। साथ ही जिस दिन से स्वामी बीजेपी में आए हैं उसी दिन से उनका ग्राफ पार्टी में बढ़ता जा रहा है। स्वामी के सवालों से मंत्री असहज महसूस करने लगे हैं। वहीं स्वामी को मिल रही मीडिया कवरेज ने भी बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले के मामले में विरोधियों के निशाने पर आई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का साथ मिला है।
लालू ने कहा कि इस मामले में सिर्फ सोनिया गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के सहयोगी लालू यादव ने कहा कि पहले कई सालों तक सोनिया गांधी के विदेशी होने को मुद्दा बनाया जाता रहा, अब ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी के लिए सहानुभूति दिखाते लालू ने अरविंद केजरीवाल को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सोनिया को गिरफ्तार करने जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। ब्रेकअप होने के बाद ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच का मामला ज्यादा ही तूल पकड़ चुका है। इस मामले में मुंबई पुलिस की टीम ने अभिनेत्री कंगना से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ खत्म होने के बाद कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस जांच से खुश है। कंगना ने पुलिस के पूछे हर सवाल का जवाब दिया है। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली ने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। सिद्दीकी ने कहा कि वे बाहर समझौता नहीं करेंगे। उन्हें शक है कि ऋतिक रोशन ने उनका ईमेल हैक किया और मेल डिलीट कर दिए। दोनों के बयान 3 घंटे से ज्यादा तक रिकॉर्ड किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बयान लगभग 6 पन्नों में दर्ज हुए हैं। भारतीय स्टार शटलर साइना नेहवाल का बयान एक बार फिर सेमीफाइनल में ही थम गया। दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी साइना को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंतिम 4 में चीन की यान वांग के हाथों 16-21, 14-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वांग ने ये मुकाबला 41 मिनट में अपने नाम किया। इसी के साथ इस चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। 26 वर्षीय हैदराबादी खिलाड़ी की ये वांग के खिलाफ 15 मैचों में 11वीं हार है। ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना को स्विस ग्रां प्री गोल्ड इंडिया सुपर सीरीज और मलेशिया सुपर सीरीज प्रीमियर ओपन के सेमीफाइनल में भी हार का सामना करना पड़ा था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।